हेलो गाइस, नमस्ते। आप सबके लिए आज मैं और एक नया वीडियो लेके आया हूँ। सबसे पहले आप सबको मेरे चैनल में स्वागत है, जिसका नाम है उमा शास्त्री। तो आज मैंने सोचा कि बैठे बैठे क्या करें, कुछ नया करते हैं करके। तो मैंने सोचा कॉइन के ऊपर पेंटिंग कैसे होता है, वो भी वाटर पेंटिंग कॉइन के ऊपर करने से कैसे वो टिकेगा या नहीं टिकेगा करके। एक्रेलिक कलर में तो सब करते कॉइन पर, मगर मैंने आज वाटर पेंट में एक नया प्रयोग किया है। आप बताइएगा कैसे लगेगा आपको, कैसा लगा है आपको। तो वाटर पेंट से मैंने ये आज ये पेंट किया है कॉइन पर, सिर्फ एक 10 मिनट में। तो एडिटिंग ये सब करके मैंने एक 3.5 या 4 मिनट तक उसको बनाया। हम आप देख के बताइएगा आपको कैसा लगा मेरा ये नया यूनिक वाटर पेंट में कॉइन में पेंटिंग करना। इसमें मैं अभी शेडिंग कर रही हूँ, मैंने तो ग्रीन यूज़ ही नहीं किया, सिर्फ येलो और ब्लू में किया था। ये पता नहीं ग्रीन भी हो गया, नहीं ग्रीन भी थोड़ा मैंने यूज़ किया है, ग्रीन कलर भी यूज़ किया। और ये साइड में थोड़ा ब्रश में पेंट बच गया था, सोचा उसमें एक लीफ बना लेते हैं। तो एक क्विक लीफ कैसे बनाना पेंट से, वो मैंने बनाया, ये क्विक लीफ है। और आपको मेरा पेंटिंग्स और मेरा वीडियोस कैसे लग रहा है ज़रूर बताइएगा। अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो मुझे और ज़्यादा ज़्यादा वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलेगा। ये बिगिनर्स के लिए ऐसे छोटे छोटे पेंट्स ठीक होते कैसे करना है करके। वैसे तो एक्रेलिक कलर में तो सब लोग करते हैं, मगर वाटर पेंट में वो भी कॉइन के ऊपर कोई नहीं करता, सिर्फ मैंने ही किया। एक छोटा सा शिवलिंग, साथ में त्रिशूल, ये सब बनाया मैंने। जो भोले बाबा के भक्त है वो तो ज़्यादा से ज़्यादा शिव जी को ही हर चीज़ में बनाने की कोशिश करते हैं। ये साथ में एक त्रिशूल बन रहा, ये हुआ था आज का मेरा एक छोटा सा वीडियो। जो आप वीडियो तो देख रहे हो मगर कोई सब्सक्राइब नहीं कर रहा ना, सब्सक्राइब कीजिए और थोड़ा ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा मुझे ऐसे और वीडियोस बनाने के लिए। आज मेरे वीडियोस में आपको कोई भी डिस्टरबेंस भी नहीं है, ना कुत्तों का शोर है ना बिल्लियों का। मेरी चरुमुन्नी भी आराम से खाना खा के सो रहे, तो वो भी मुझे वीडियो बनाने के लिए छोड़ दिया। चरुमुन्नी को आपने मेरे वीडियोस में देखा होगा, ये शिव जी है, ऊपर एक चांद बनाया, उनका माथे का तिलक। ये मेरा पहला प्रयोग है कॉइन के ऊपर। क्या आपको ऐसा और भी अच्छा लगे, अच्छा लगता है तो आप बता सकते हैं कॉइन पर, क्या मैं और भी ड्राइंग्स बनाऊं। ये सब बनाया मैंने, धन्यवाद देखने के लिए। अगर मेरे चैनल पे नए हो या पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू।